दुनिया अजीबो गरीब लोगों से भरी पड़ी है। कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है, कोई सबसे खूबसूरत तो कोई सबसे ताकतवर। किसी मर्द को औरत बनने का शौक है तो किसी औरत को मर्द। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जापान के एक शख्स को जानवर बनने का शौक था। उसे बचपन से ही कुत्ता बनने का शौक था, है ना? अजीबो गरीब शौक। कुछ लोग इसे पागलपन कह रहे हैं और कुछ लोग बेवकूफी बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक आदमी जो अपनी शौक के लिए कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के लिए उसने 12 लाख रुपए से अधिक खर्च कर दिया है। इस आदमी का नाम टोको बताया जा रहा है। इसके लिए टोको ने 22,000 येन यानी करीब 12 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब कुत्ते की तरह दिखने वाले इस शख्स को देख कर लोग हैरान हो रहे हैं। ज़िपफिट नाम की एक कंपनी ने इस जापानी शख्स को कुत्ते के रूप में बनाने में मदद की है। कंपनी को ऐसा करने में करीब 40 दिन लगे हैं। इस शख्स को कोली ब्रीड के कुत्ते के रूप में बनाया गया है, जिसको लेकर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि इस शख्स को कोली कुत्ते की तर्ज पर बनाया गया है। ये चार पैरों पर चलने वाले असली कुत्ते जैसा दिखता है। आदमी से कुत्ता बने इस जापानी शख्स ने बताया कि ये उनके जिंदगी का सपना था। इस शख्स ने अपने यूट्यूब चैनल आई वॉन्ट टू बी एन एनिमल पर कई वीडियो अपलोड किए हैं। इस चैनल पर कुल 37,000 सब्सक्राइबर हैं। इसमें कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला गया है, जिसमें टोको पहली बार कुत्ता बन के लोगों के सामने टहलने निकला है। इस वीडियो को 3.5 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो में टोको के गले में पट्टा डालकर सैर के लिए ले जाते हुए देखा जा सकता है। मानव कुत्ता पार्क में अन्य कुत्तों को सूंघते हुए और जानवरों की तरह फर्श पर लोटता हुआ दिख जाता है। जापान के टोको ने सबसे बढ़िया सूट बनाने वाली जापानी कंपनी ज़िपफिट से एक एग्रीमेंट किया और उनसे बोला कि वो कुत्ते की डिजाइन वाली पोशाक बनाए, जिसे पहनकर वो एकदम कुत्ते जैसे दिखे। दूसरे लोगों को टोको का ये इरादा भले ही अच्छा ना लगा हो, लेकिन टोको का कहना है कि वे कुत्ता बनकर बेहद खुश हैं। वो बचपन से ही कुत्ता बनना चाहता था, ये सपना अब जाकर पूरा हुआ है। आदमी से कुत्ता बनने के लिए टोको को एक अलग तरह के बदलाव से गुजरना पड़ा है। टोको ने अपने YouTube चैनल के बायो में लिखा है कि आज कुत्ता बनने की उसकी इच्छा पूरी हो गई। टोको ने अपने दर्शकों के कमेंट्स को भी शेयर किया है। बता दें कि जापानी कंपनी ज़िपफिट द्वारा की गई इस प्रक्रिया में हाइपर लेकिन असली कुत्ते जैसे दिखने वाली पोशाक तैयार की गई है। इसकी लागत 2 मिलियन येन है। ये कंपनी टीवी विज्ञापनों और फिल्मों के लिए पोशाक बनाने में माहिर है। इसके अलावा ये मूर्तियां, बॉडी सूट और 3D मॉडल की पोशाक बनाती है। टोको ने आई वॉन्ट टू बी एन एनिमल नामक अपने YouTube चैनल पर अपने इस सफर को शेयर किया है। तो है ना ये अजीबो गरीब शौक। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करें। क्या आप भी ईश्वर के बनाए गए क्रिएचर को बदलना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। ओम नमः शिवाय।